Friends, Anila ma'am here. Today I am going to teach you about the scientific notation or how to write the decimals in standard form. Okay, as you know, the weight of sun is a very big number. That is very big number. It is how much? This much kg. Okay, this is 19891 and here 26 0 8 25 10.0 kg. To write very large numbers, we use exponents. We use exponents and we try to write the very large number in scientific notation, or in standard form. Okay, when this much kg weight is given to you, then how will we write this in standard form here? As you know, the decimal point here, this is the very large number here, 0.0 kg. okay, very difficult to read the very big number. Then what we do, we here, it is decimal is here, we will the decimal point move 30 places to the left. ये जो डेसिमल प्लेस है ये कहां चला जाएगा? विल मूव टू द 30 प्लेसेस टू द लेफ्ट. ओके, बिफोर राइटिंग इनटू द साइंटिफिक नोटेशन, हम क्या करते हैं कि देयर शुड बी ओनली वन डिजिट बिफोर डेसिमल. डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए और उसके बाद जितने भी डिजिट्स है वो डेसिमल से डेसिमल के बाद ले जाइए आप. ठीक है, अब हमने क्या करना है, कितने ही डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. ओके, आई विल कीप 1 बिफोर डेसिमल. ओके, वन स्पेस पे मुझे वन को तो रखना ही रखना है. ओके, और जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे. ओके, आफ्टर 30 प्लेसेस, द डेसिमल पॉइंट मूव 30 प्लेसेस टू द लेफ्ट, द नंबर विल बी रिटन लाइक दिस, 1.9891 × 10⁻³⁰. हमने कितने जो डिजिट्स को डेसिमल के बाद लेकर आए हैं, ये डेसिमल को शिफ्ट किया है कितने प्लेसेस के बाद, 30 प्लेसेस के बाद, 30 प्लेसेस के बाद किया, तो हम लिखेंगे इसको 1.9891 × 10⁻³⁰. अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी इंटू 10⁻⁴ n. ओके, a number of the form p into 10 raised to power n, here it is p into 10 raised to power n, is called a standard form, where p is a terminating decimal. ye p kya hai, this is terminating decimal. okay, p is terminating decimal such that 1 is less than or equal to, p less than 10 and n is an integer. जो 10 की पावर है वो क्या है, एक इंटीजर है. वी कैन से दैट ए नंबर ऑफ द फॉर्म p इंटू 10 रेज टू पावर n इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड p इज टर्मिनेटिंग डेसिमल सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू p less than equal to 10 and n is an integer. For example, suppose you write here 9.6, suppose this is a decimal number here, 9.6 into 10,000. How this will be written in standard form? As you know, by writing in the standard form, before decimal there should be one digit. Decimal se pehle ek digit hona zaruri hai, okay? Wo already hai, 0.6 hai. Ab 10 किससे मल्टीप्लाइड है, वो 10,000 को. तो 10,000 को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, 10 की पावर 4, 10 रेज टू पावर 4. जब 10,000 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यहाँ सिंपली भी अंडरस्टूड है कि कितनी जीरोज है, 4,
कितनी जीरो है, वन के साथ फोर, तो टेन की पावर कितनी हो जाएगी, फोर। ओके, तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट होना जरूरी है। 9.6 इंटू, अब ये 10,000 को मैंने कैसे लिख लिया, इंटू 10 की पावर 4, 10 रेज टू पावर 4। द मेथड ऑफ राइटिंग अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, द मेथड ऑफ राइटिंग अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मींस वो क्या है, उसकी साइंटिफिक नोटेशन है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसी तरह, ये देखो आप स्कूल, ये वाला एक नंबर है, एक वन ऑफ द नंबर हियर आई एम गोइंग टू टेक हियर, सपोज दिस इज 7 5 0 3 5 0 5 4 8 5.625। अब आई एम गोइंग टू राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इन द साइंटिफिक नोटेशन। यू कैन से नाउ यू व्हेन यू लुक एट हियर डेसिमल इज देयर, और बिफोर राइटिंग द गिवन नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वी शुड थिंक कि बिफोर डेसिमल देयर विल बी ओनली वन डिजिट, एक वन डिजिट ये डेसिमल से पहले रहेगा। ओके, दिस डेसिमल विल मूव कितने प्लेस, ये डेसिमल मूव करेगा कितने प्लेसेस मूव करेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने प्लेसेस मूव करेगा, ये 9 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 को तो ऐसे लिखोगे 7 देन 0 5 0 3 5 0 5 4 8 5, ये भी साथ में मिक्स होगा इसके। ओके, इन दिस वे, तो ये डेसिमल है कितने डिजिट्स, कितने डिजिट्स को इधर शिफ्ट किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9, 10 की पावर कितनी होगी, 9। या आप कहेंगे डेसिमल से पहले हमें एक डिजिट तो चाहिए, बाकी जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इधर डेसिमल के बाद शिफ्ट हो जाती है। ओके, और यू कैन से अगर डेसिमल को शिफ्ट करना है 9 प्लेसेस यहाँ तक, तो हम 10 की पावर कितनी लगाएंगे, 9। जितने जितने प्लेसेस हमने मूव किया है डेसिमल को, उतनी ही 10 की पावर लग जाती है, 10 रेज टू पावर 9। ओके, द डेसिमल इज मूव्ड हाउ मेनी प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस छोड़ के यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया और बाकी ये सारे इसके साथ मिक्स हो गए। द नंबर विल बी रिटन लाइक दिस, 7.50350545485625 इनटू 10 रेज टू पावर 9, 10 रेज टू पावर 9। इन दिस वे यू विल राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। वन ऑफ द क्वेश्चन इज आल्सो देयर हियर, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर, द क्वेश्चन वाज लाइक दिस। ओके, आगे then the distance between the earth and moon, the distance between the earth and the moon is how much, this is in crores, okay, 38 crores 44 lakh meter, write the distance in scientific notation। I am going to write the distance between the earth and the moon, the distance, question number 2 of your exercise 5.2, okay, chapter is exponent, your exponent, okay, the distance between the earth and moon is 38 crores 44 lakhs 0.0 meters, okay, हमने point अपनी तरफ से लगाया, okay, 0.0 meter, that is, so this decimal will be moved to the left after leaving how many places, 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, because before decimal it there should be only one digit, okay, one digit, we will not take 3 to the right side, okay, the decimal will be moved how many places, leaving how many places, 1 2 3 4 5 6 7 8,
the distance between the earth and the moon in scientific notation will be 3.844 into 10 raised to power 8, because this decimal was moved to the left after leaving how many places? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And in scientific notation, it will be written like this: 3.844 into 10 raised to power 8. Okay. Similarly, this third question A part here, write in the standard form. Okay. Now, how many after hearing how many places we will put the decimal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It will be written like this: 3. डेसिमल से पहले एक डिजिट होना जरूरी है. 3. बाकी ये सारे पॉइंट के बाद शिफ्ट हो जाएंगे. 1, 8, 6, 5, 9, 5 into 10 raised to power. कितने कितने हमने शिफ्ट किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 raised to power 12. In this way, we will write the given large number in the scientific notation or in the standard form. Okay. Now, how will you write?